पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वॉर्म वॉर्म वेलकम। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी पंजाब बॉलीवुड इंडस्ट्री की रिनाउंड पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आप अराउंड 250 वीडियोस में देख चुके हैं, काफ़ी सारी मूवीज में देख चुके हैं, मिस्टर पवन धीमान जी। और आज हम पहुँचे हैं लुधियाना के मुल्लापुर एरिया में। सर, आप प्लीज़ मेंशन करेंगे ये कौन सा पैलेस है, और इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सुखविंदर सुखी जी के एक वीडियो की शूटिंग चल रही है जो दिवाली से पहले पहले हम सबको देखने को मिलेगा, और उसमें पवन धीमान जी ने चाचा का करेक्टर प्ले किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उनसे ही पूछते हैं कि किस टाइप का वीडियो एल्बम अब ये सबके लिए लेकर आने वाले हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ जी। आज जो हम शूट कर रहे हैं जी, सुखविंदर सुखी जी का वीडियो कर रहे हैं जी, जो दीपावली के नज़दीक जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। जितने भी पंजाबी चैनल हैं, PTC चक दे, PTC पंजाबी, MH1, टशन, जोश, तड़का, सभी पे ये रिलीज़ होगा जी। वीडियो बहुत अच्छा वीडियो किया है जी, और शूट हमारा चल रहा है जी। आज के शूट में मैंने चाचे का किरदार किया, सुखविंदर सुखी जी ने मामे का किरदार किया। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है जी। सुबह से लगे हुए हैं जी हम। सर, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हमने अपने चैनल को आपका दिया, बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है, इतनी सारी वीडियो एल्बम्स में काम कर चुके हैं, तो कैसे लगता है कि कितने साल हो गए आपको इस लाइन में आए हुए, और इतने सालों में आपने अपने आप को कितना ग्रो अप करते हुए देखा है? मैम, मेरी स्टार्टिंग हुई थी जी, एमी विर्क का वीडियो सॉन्ग था जी, हाँ कर गई। उसमें मैंने विचोले का करेक्टर किया था, एमी जी का इंट्रोड्यूस करता हूँ जी, उनका रिश्ता करवाता हूँ जी मैं। तो वो मेरा अहम किरदार था जी, और नवजीत बुट्टर जी डायरेक्टर थे जी। उसके बाद मैंने लगातार 4 साल में 250 के करीब अभी तक वीडियो कर चुका हूँ जी। मेरा सबसे बढ़िया वीडियो जो आया है, साईं तेरे नाम के दीवाने, मास्टर सलीम जी के साथ मैंने साईं जी का किरदार किया। ये किरदार करके मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरी लाइफ जो है बहुत चेंज हो गई जी। पहले से पहले मेरा बर्ताव है, लोगों से मिलने का तरीका, वो भी चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप अपने आप में इतना चेंज फील करते हैं? हाँ, क्योंकि साईं जी का किरदार करने के बाद मैं एकदम कूल हो गया, और समझने लग गया कि लाइफ है क्या असल। अच्छा। हमारे आने का मकसद क्या है, है ना, तो हम करने क्या आए हैं। मैं सभी को यही कहता हूँ कि अच्छा इंसान ही अच्छा कलाकार बन सकता है। घमंड और अहंकार के साथ कभी भी कलाकार ऊंचा नहीं उठ सकता, ना ही लोगों के दिलों में राज कर सकता है। सर, इतने सालों में आपने इतने हिट वीडियो एल्बम्स में काम किया है, तो जो पंजाब की जनता से आपको प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, कैसे लगता है उस चीज़ को? आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करके हमें बताइए कि आप इंटरनली खुद कैसा फील करते हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कमेंट्स वगैरह मिलते हैं, लोग मुझसे मिलते हैं, सेल्फी करते हैं मेरे साथ। ड्रीम कम ट्रू है ना, हमारा यही ड्रीम था कि अच्छा काम करें, पंजाबी माँ बोली की सेवा करें, लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आएँ लोगों के लिए, और उसमें कुछ शिक्षा हो। मैंने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो ध्यान में रखते हुए किए हैं कि ये समाज के प्रति जो है ये एक जिम्मेवारी होती है हमारी। अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं कि अच्छा संदेश मिले सभी को। सर, आप मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी मूवी जिसमें आपको लगा हो कि आपका रोल सबसे चैलेंजिंग रहा है और आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब भी है वो रोल? मैंने अभी तक 25 के करीब मूवीज़ में काम किया है, जिसमें मेरी शॉर्ट मूवीज़ भी हैं, हिट मूवीज़ भी हैं। बधाइयाँ जी बधाइयाँ समीप कंग जी के साथ मैंने काम किया। उसके बाद आटे दी चिड़ी, 2x5, और अभी मेरी जद्दी सरदार आई है जी, उससे पहले मिट्टी विरासत बब्बरां दी। मतलब सभी में किरदार अलग अलग निभाए हैं जी मैंने। मेरा सबसे आज तक का बढ़िया किरदार, PTC बॉक्स ऑफिस पे मेरा नासूर फिल्म आई थी जी, PTC बॉक्स ऑफिस की वो नासूर फिल्म 1 घंटे की मूवी थी, उसमें मेरा लीड करेक्टर था जी पुलिस इंस्पेक्टर का, वो मेरे बिल्कुल दिल के करीब था जी। वो जो घटना थी वो सच्ची घटना पर आधारित था जी, वो जो टेली फिल्म थी उनकी शॉर्ट मूवी थी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है जी। मैं उसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, काम करने का एक अनुभव ही अलग ही अनुभव मेरे को मिला उसमें। तो एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतनी अच्छी लोकेशन पे आज हम आए हैं, एक सेट यहाँ पे रेडी हमें देखने को मिल रहा है, सुखविंदर सुखी जी का सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग यहाँ पे आज शूट किया जा रहा है, तो आप किस टाइप के करेक्टर में और कैसा सॉन्ग है उसके बारे में व्यूवर्स को कुछ बताइए। जो आज का सॉन्ग है वो बेसिकली लव सॉन्ग है, दीपावली के नज़दीक वो रिलीज़ होगा।
इसमें मैंने चाचा जी का किरदार किया है और सुखविंदर सुखी जी ने मामा जी का किरदार किया है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है जी, इसके डायरेक्टर संदीप बेदी जी हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में ये शूट हो रहा है, तो काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। इससे पहले भी मैंने सुखविंदर सुखी जी के साथ एक वीडियो किया था, वो भी बड़ा चर्चा में रहा था हमारा वीडियो। उसके बाद ये सेकंड वीडियो कर रहा हूँ ये मैं सुखी जी के साथ। मैंने आज तक कई ऐसे ऐसे वीडियो किए हैं जो मेरे दिल के करीब हैं जी, जिसमें मेरा माइल का आया था रोना सिखा दे वे, उसके अलावा मेरी हाँ कर गई था एमी विर्क जी के साथ, कुलविंदर बिल्ले के साथ रूं वर्गी था जी मेरा। मतलब इतने अच्छे अच्छे किरदार करने का मेरे को मौका मिला, मेरे को डायरेक्टर जितने भी हैं वीडियो वाले वो अच्छे किरदार देते हैं, या मेरा काम उनको पसंद आता है। मैं अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ करता हूँ कि अगर मैं किसी से 10 रुपये लेता हूँ तो मेरा असूल है कि मैं उसको 20 रुपये का सामान वापस दूँ। सर बहुत बहुत अच्छी बात कह दी, आजकल के टाइम पे स्पेशली ऐसी सोच रखना ही बहुत बड़ी बात है। अब चलिए जाते जाते हमें ये बता दीजिए कि आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मूवीज़ आप पंजाब के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ के एडल्ट के लिए, सारी जनरेशन के लिए लेकर आने वाले हैं? मेरी आने वाली मूवीज़ आ रही हैं जी, छल्ले मुंदियाँ एमी विर्क जी के साथ है जी, जिसमें करमजीत अनमोल का मैं मामे का किरदार कर रहा हूँ जी। उसके अलावा बू में डर गई है, वो भी करमजीत अनमोल जी के साथ ही है जी, मेरा एक डाकू का किरदार है जी। उसके अलावा जी मैंने अभी कंप्लीट की है जी गुलाम, गुलाम से पहले मैंने मुसाफिर में मैं ASI पुलिस इंस्पेक्टर का करेक्टर आ रहा है जी। हिंदी फिल्म आ रही है जी मेरी गिरीश मलिक जी के साथ, वो भी फिल्म मेरे दिल के करीब है जी, उसमें भी मैंने एक ड्राइवर ट्रक ड्राइवर का किरदार किया है, वो भी बड़ा अच्छा करेक्टर है जी। इसके अलावा कई अच्छे अच्छे ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जी जो रिलीज़ होने के बाद ही पता लगेगा जी, जब उनकी डबिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी बता सकता हूँ उसके बारे में। जाते जाते एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए लुधियानवीज को, सारे पंजाबी को। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें, जो अपने दिल की सुने दिमाग की ना सुने, दिल हमेशा सच बोलता है। हमेशा दूसरों की मदद करें, आपको लगे कि ये इंसान ऐसा है, ये गरीब है, दिल से उसकी मदद करें जी, ये बहुत ज़रूरी है। इंसान बन के रहें जी, हम इंसान बनने आए हैं, इंसान ही रहें जी, इससे ज़्यादा अपनी ताकत किसी को मत दिखाएं जी, ये बहुत ज़रूरी है आज के लिए जी। थैंक यू सो मच सर, अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए और बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ पवन धीमान जी, जिन्होंने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में तो हमसे शेयर किया ही किया, साथ ही साथ उनकी तरफ से बहुत ही अच्छे मैसेजेस हमें सुनने को मिले। उन्होंने कहा कि प्लीज़ नेवर बी इगोइस्टिक इन योर लाइफ, प्राउड को छोड़ दीजिए, उसको कहीं स्पेस मत दीजिए अपनी लाइफ में, अच्छा काम कीजिए, अच्छी पर्सनैलिटी बनिए, लोगों के लिए एक मिसाल कायम कीजिए। होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलकर, और हमने भी शेयर किए उनसे कुछ बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ, शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।